सीबीआई अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, तेजस्वी जी को भी लौटाना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबी देवी का नाम, कई और अन्य लोगों का नाम भी चार्जशीट में दाखिल है। अब बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होता है, सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में ये दाखिल करती है, तेजस्वी यादव का नाम आता है। अब आरजेडी जेडीयू वाले आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारों पर ही ये पूरा खेल सीबीआई ने रचा। तो ये तो पूछना चाहिए शरद यादव जी से, ललन बाबू से। ललन बाबू ही सीबीआई को साक्ष्य दिए थे, और इसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। जिससे जमीन लिए हैं उसको नौकरी दिए हैं, तो इसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। भारतीय कानून के तहत तेजस्वी जी फंस गए हैं, उनको बेल लेना चाहिए और बेल पर हैं, कानून का सामना करना चाहिए, विदेश नहीं घूमना चाहिए। भारत की कानून की चक्की धीमी चलती है, पिसती बारीक है, इसमें पिसा जाएंगे तेजस्वी जी। नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि सब पालतू तोते हैं सीबीआई ईडी नरेंद्र मोदी। ललन बाबू पहले क्या बोलते थे? ललन बाबू किसने दिया सीबीआई को साक्ष्य? आज जब पलटी मार लिए हैं तो ललन बाबू का बोली बदल गया है, सीधा है। जिस मकान में भी आज रह रहे हैं फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में तेजस्वी जी, वो मकान कहाँ से आया 200 करोड़ का? चौवन संपत्ति कहाँ से आया? और जिससे लिए उसको नौकरी दिए हैं। एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जो है, इसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, तेजस्वी जी को भी लौटाना पड़ेगा। क्या लगता है बीजेपी को, क्या लगता है तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी बिहार में? तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या कुछ बड़ा देखिए, इसमें बीजेपी को क्या लेना देना है? साक्ष्य दिए ललन बाबू, आ कोर्ट कर रही है, बीजेपी को इसमें क्या लेना देना है? ये तो कोर्ट करेगी ना, और कोर्ट में जहां तक हम लोग समझते हैं तो अपनी बातों को मैंने रखा है। नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ने भी पहले कहा था कि बीजेपी उनको फंसा सकती है। कैसे फंसा? आपको कहां फंसा देगी, हमको कहां फंसा देगी? आप सीधा बात है जी, कि जिस व्यक्ति का जमीन लिखवाए उसको रेलवे में नौकरी दिए, क्यों दिए? मैं ही पूछता हूं क्यों दिए? नाबालिके में 54 प्रॉपर्टी कहां से आ गया? कहां से जिस मकान में रह रहे हैं 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? सरेंडर कर दें, जो भाई हम नाबालिग थे नहीं जानते हैं, गरीबों को दान कर दें। महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि शरद पवार को बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है, शरद पवार ऐसे इंसान है, हिला भी नहीं सकती है बीजेपी। अच्छा, इसमें बीजेपी क्या करेगी? अपना भतीजा उनका विद्रोह किया है। नहीं, लालू प्रसाद यादव ही कह रहे हैं। लालू जी के कहने से नहीं ना होगा, अपना भतीजा उनका विद्रोह किया है। हाँ। जो असहज दिख रहा है कि भाई सब अपना एमएलए एमपी अपना भविष्य देखता है, तो कहाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है? तो आज भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के साथ जो भी दल है या जो भी लोग हैं एमएलए एमपी हैं, उनका भविष्य सुरक्षित है? भ्रष्टाचारी और परिवारवादी के साथ नहीं सुरक्षित है, इसलिए हम लोग के तरफ आए हैं। और राष्ट्रवाद के इस महायज्ञ में जो भी हमारे साथ आएगा राष्ट्र निर्माण में, हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी खेला हो सकता है। बिहार में खेला हो न हो, लेकिन नीतीश जी डर चुके हैं। नीतीश जी जो कभी भी एमएलए एमपी को समय मांगने पर भी नहीं देते थे, आज बुला बुला करके बात कर रहे थे, और एमएलए एमपी देख रहा है कि हमारा भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। तो ऐसा होगा, बिहार में भी होगा, लोग जाएंगे। डर से ही मुलाकात कर रहे हैं, वन टू वन बात कर रहे हैं। भय है, निश्चित रूप से भय है। तो देखिए, साफ तौर से अब सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और अब बीजेपी पर जो आरोप लग रहे थे उसको बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खंडन किया है, और अब देखने वाली बात यह है कि आगे तेजस्वी यादव के साथ क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।